हेलो सभी को नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है दुर्गा क्लासेज में। देखो हम कल पढ़ रहे थे इंटरनल फर्टिलाइजेशन या हम बात करें आंतरिक निषेचन। तो कल यहाँ तक तो हो गया था, इसमें इतनी समकालता नहीं पाई जाती है, ठीक है ना। यहाँ तक आपने लिख लिया था, उसके बाद में आपको क्या लिखना है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। इस आप लिख सकते हो, इसके आगे आपको लिखना है इस निषेचन में या इस आंतरिक निषेचन में अधिक संख्या में नर युग्मक निर्गमित या हम कह सकते हैं छोड़े जाते हैं, जिससे संतान उत्पत्ति की संख्या है वो जो अधिक संख्या में छोड़े जाने का नहीं, या हम कह सकते हैं कि अधिक संख्या में छोड़े जाएंगे तो आपको बताया था डिजनेट हो जाएंगे, उसकी वजह से क्या संतान उत्पत्ति है ना वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी या संतान उत्पत्ति में कमी आएगी। ये बात आपको नोट करनी है। तो यार आप लिखो इसमें आंतरिक निषेचन करने वाले जीवों में केवल नर युग्मकों की संख्या अधिक निर्मित की जाती है, परंतु संतानोत्पत्ति की नर युग्मक कम होते हैं। संतानोत्पत्ति नर युग्मक है उनकी क्या होती है, कमी होती है, ठीक है, लिख लिया आपने। उसके बाद देखो नेक्स्ट आपने आपको क्या लिखना है कि आंतरिक निषेचन करने वाले जीवों में, इसके नीचे लिखना आपको आंतरिक निषेचन करने वाले वाले जीवों में आंतरिक निषेचन करने वाले जीवों में या जीवों से उत्पन्न संतति की उत्तरजीविता से उत्पन्न संतति की जो उत्तरजीविता होती है वो अधिक होती है, जिसे फंजाई की बात करें, सेवाल या फंजाई है, उत्तरजीविता अधिक होती है। ये बात आपको लिखनी है, ठीक है। इसके बाद में एग्जांपल आपको लिखनी है सेवाल तो होगा इसका शायद, सेवाल नहीं होगा, ठीक है ना, सॉरी फंजाई, इसको बोलते हैं कवक, ठीक है ना। इसके अलावा जो हम बात करें सरीसृप है, ठीक है ना, फंजाई है, सरीसृप है, और इसके अलावा पक्षी है, स्तनधारी हैं, अधिकतर पादप हैं, पक्षी लिख सकते हो, स्तनधारी और अधिकतर पादप, वह अधिकतर पादप, ये बात आपको लिखनी है, ठीक है। तो ये है आंतरिक निषेचन। यदि आपको पूछ लिया जाए डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन, तो आपको दोनों को बताने, यानी आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन मंत्र बताने हैं। लास्ट में आपको क्या लिखना है, एग्जाम्पल लिखना है, क्यों अंतर इस प्रकार से किया जाता है, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन किसे कहते हैं, निषेचन की जो प्रक्रिया है पूरी प्रोसेस है वो आपको बता दी गई है। इसके बाद में देखो नेक्स्ट जो एडिंग है वो है निषेचन पश्च घटनाएं, यानी निषेचन के बारे में हो चुका है, उसके बाद निषेचन के जो बाद की जो घटनाएं होती है वो कौन कौन सी होती है, तो आप एडिंग डालो निषेचन के बाद की घटनाएं या निषेचन पश्च घटनाएं, निषेचन ये दो नंबर है, निषेचन पश्च घटनाएं या हम कह सकते हैं निषेचन के जो बाद की जो घटनाएं हैं वो कौन कौन सी होती है, ठीक है। इसमें देखो क्या लिखना आपको, आवर्तविजी पादपों में निषेचन के पश्चात दो घटनाएं संपन्न होती हैं, आवर्तविजी पादपों में निषेचन के बाद दो प्रकार की घटनाएं संपन्न होती हैं। ये बताना आपको कौन कौन सी होती है, वो देखो कि आवर्तबीजी जो प्लांट्स होते हैं उनमें निषेचन के बाद में, यानी निषेचन पश्च घटनाएं, देखो नाम से स्पष्ट है, निषेचन के बाद की जो घटनाएं होती हैं वो कौन कौन सी होती है, तो आप लिखो इसमें दोनों
सबसे पहले देखो आठवीं पाद में निषेचन के बाद दो प्रकार की घटनाएं होती हैं, उसमें एक तो होता है युग्मज का निर्माण और दूसरा होता है भ्रूणोद्भव। फर्स्ट प्रकार की होता है युग्मज का निर्माण, युग्मज का निर्माण एक होता है, दूसरी बात भ्रूणोद्भव, भ्रूणोद्भव ये ऐसे बोलते हैं एम्ब्रियोइड्स, भ्रूणोद्भव, 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 ये दो प्रकार की घटनाएं होती हैं। अब देखो युग्मज का निर्माण आपको पता है नर और मादा दोनों क्रॉस करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद जायगोट बनेगा। तो जायगोट के आगे की घटनाएं, जायगोट से बस जस्ट आगे की घटनाएं है, जायगोट से पहले निषेचन से पहले घटनाएं तो युग्मज का निर्माण होगा, उसके बाद की जो घटनाएं है वो भ्रूणोद्भव के अंतर्गत आती है, आपको ये बात ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए युग्मज का निर्माण, युग्मज का निर्माण, हेडिंग डालो युग्मज का निर्माण। अब देखो इसमें आपको क्या लिखना है, युग्मज का निर्माण आपको बताया था निषेचन के बाद की घटनाएं होती हैं, ठीक है, युग्मज का निर्माण हेडिंग डालो युग्मज का निर्माण। इसमें आपको लिखना है निषेचन के बाद युग्मज का निर्माण होता है, सबसे पहले आपको लिखना है निषेचन के बाद युग्मज का निर्माण होता है, निषेचन के बाद युग्मज या हम बोलते हैं जायगोट, जायगोट का निर्माण होता है, निर्माण होता है। सबसे पहली बात तो आपको ये लिखनी है कि वो निषेचन के बाद की घटना है जायगोट। अब देखो आपको बताया था, दोबारा बता रहा हूँ, नर और मादा, बात करें प्लांट्स के अंदर बात करें तो नर युग्म पुंकेसर, पुंकेसर होता है, और जब ये क्या होगा स्त्री केसर, जो हम सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। बाद में क्या होगा फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद में क्या बनेगा जायगोट, जायगोट, और उसे बोलते हैं युग्मज, जो क्या होता है डिप्लॉयड, ये बात ध्यान में रखने आपको। तो ये यही लाइन है निषेचन के बाद युग्मज का निर्माण होता है, इसके आगे लिख सकते हो आप यह एक द्विगुणित संरचना होती है या डिप्लॉयड संरचना होती है। इसके बाद देखो लिखना है ये युग्मज सेवाल तथा फंजाई, फंजाई के कोशिका के चारों ओर, चारों ओर सेल वाले या कोशिका भित्ति का निर्माण कर लेते हैं, कोशिका भित्ति हम बोल चुके हैं सेल वाल का निर्माण कर लेते हैं, कर लेते हैं, बात समझ रहे हो आप, ठीक है ना। ये क्या क्या करते हैं, इसमें सेवाल और फंजाई, एल्गी और फंजाई दोनों क्या करते हैं, ये कवक है यहाँ फंजाई, ठीक है ना, ध्यान रखना कि कोशिका के चारों ओर कोशिका भित्ति का निर्माण कर लेते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद देखो आपको क्या बताना है कि एक भित्ति का निर्माण कर लेते हैं, ये मोटी भित्ति युग्मज को शुष्कांशन जैसे परिस्थिति से बच जाता है या शुष्क होने से बच जाता है, ये लिख सकते हो आप, कोशिका भित्ति का निर्माण कर लेते हैं, यह भित्ति, इसी का आगे लिखना आपको, यह भित्ति युग्मज जायगोट को शुष्क होने से, शुष्क या हम कह सकते हैं ड्राई होने से, ठीक है ना, शुष्क या ड्राई होने से बचाती है, ड्राई होने से तो बचाएगी, ठीक है ना। अब शुष्क जायगोट यदि शुष्क हो जाएगा तो आगे की प्रक्रियाएं नहीं हो पाएंगी, क्योंकि लास्ट में जो भ्रूण जायगोट से जो विभिन्न प्रकार की जो प्रक्रियाएं होती हैं उसी के बाद में भ्रूण का निर्माण होता है, ये एम्ब्रियो का निर्माण होता है, तो शुष्क होने से बचाती है, ये इतनी बात आपको लिखनी है। इसके बाद में देखो शुष्क होने से बचाती है तथा जब तक अनुकूल वातावरण नहीं आता है तब तक अनुकूल वातावरण, यह हम सकते हैं कि विश्रांति अवस्था में पड़ा रहता है, जब तक अनुकूल वातावरण नहीं आता है तब तक ये युग्मज, जब तक इसी का आगे लिखना आपको,
जब तक अनुकूल वातावरण, अनुकूल का मतलब इसके अनुकूल, ठीक है ना, अनुकूल वातावरण नहीं होता है, नहीं होता है, तब तक यह है, तब तक यह है शुष्क, लिख सकते शुष्क अवस्था में, या हम सकते हैं विश्रांति अवस्था में, विश्रांति, विश्रांति अवस्था में पड़ा रहता है, पड़ा रहता है। ये बात आपको लिखनी है, ठीक है। तो क्या बात हो गई, देखो निषेचन के बाद युग्मज का निर्माण होता है, आपको बता दिया है, ठीक है ना। जैसे जीवों में क्रिया होती है वैसे ही प्लांट्स में क्रिया होती है। ये युग्मज शैवाल तथा फंजाई की कोशिका के चारों ओर कोशिका भित्ति, जो सेल वाल बनेगी वो मोटी कोशिका भित्ति युक्त संरचना होगी, ठीक है ना, मोटी सेल वाल का निर्माण कर लेते हैं। और ये भित्ति क्या करती है, युग्मज को जो जायगोट होता है उसको चारों ओर से, जैसे आपने पढ़ा होगा देखो, जो अपरा पाई जाती है प्लासेंटा, प्लासेंटा अपरा मादा के अंदर होती है, और ये मादा के अंदर अपरा क्या करती है, जो भ्रूण होता है ना इंद्रियो, उसको पोषण प्रदान करते हैं, आपको बताए, ठीक है ना। तो उसी प्रकार ये क्या करते हैं कि जो युग्मज को शुष्क होने से या ड्राई होने से बचाती है। क्यों, यदि युग्मज ड्राई हो जाता है तो ड्राई होने के कारण क्या होता है, खत्म हो जाता है, डिजनरेट हो जाता है, हम कह सकते हैं विलुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है, जो भी समाप्त हो जाता है, तो आगे की प्रक्रिया नहीं हो पाती, ठीक है ना। और आगे की प्रक्रिया होने के लिए हमें क्या होता है, युग्मज या जायगोट की जरूरी होती है। और आपको याद रखना है युग्मज बहुत बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है, युग्मज होता है तो डिप्लोइड संरचना होती है। बाकी दो आपको बताए थे युग्मक, ये हैप्लोइड होते हैं एगुणित, जबकि युग्मज होता है, युग्मज ये डिप्लोइड होता है या टू एन होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा, देखो युग्मज को शुष्क होने से बचाती है जब तक अनुकूल वातावरण, यानी इसके अनुकूल वातावरण नहीं होता है तब तक ये विश्रांति अवस्था, विश्रांति अवस्था मतलब जैसा है वैसा ही रहता है, ठीक है ना। यहाँ तक लिखने के बाद देखो आगे आपको क्या लिखना है, उसके बाद देखो आपको लिखना है अन्य जीवों में, अन्य जीवों में युग्मज तीव्र कोशिका विभाजन से, तीव्र कोशिका विभाजन से, विभाजन से भ्रूण का निर्माण, भ्रूण यह हम कह सकते हैं एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का निर्माण कर लेता है, कर लेता है। देखो कुछ जीव ऐसे होते हैं उनमें क्या होता है, जो मतलब युग्मज जो जायगोट आता है उसमें कोशिका विभाजन होता है, सेल डिवीजन होता है, जिससे एम्ब्रियो का निर्माण होता है। और देखो एक बार दोबारा बता रहा हूँ, पहले बता दिया था, सबसे पहले क्या होता है नर होता है, ठीक है, ये लिखना है आपको बहुत ही समझना है, उसके बाद में क्या मादा। अब बात यदि जीवों की करें तो जीवों में हम जीवन कर रहे हैं, देखो अन्य जीवों में तो बात करें तो ये शुक्राणु होगा, इसका युग्मक, ये होते हैं युग्मक शुक्राणु, इनको बोलते हैं युग्मक, ठीक है। और ये क्या होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं, ये बात ध्यान में रखनी है आपको। और इसके द्वारा उत्पन्न युग्मक क्या होगा, अंडाणु, ठीक है। और ये भी क्या होता है, हैप्लॉयड होता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। या लिख सकते हो युग्मक, युग्मक, और ये भी क्या होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं। अब देखो यहाँ तक की कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन या निषेचन आप बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन या निषेचन, निषेचन की क्रिया होती है। और जैसे निषेचन क्रिया होती है इससे क्या बनता है, जायगोट बनता है, और ये जायगोट क्या होता है, टू एन जायगोट या युग्मज से, ठीक है ना। उसके बाद देखो जो जायगोट होता है उसमें विभाजन होता है, बार बार क्या होते हैं, विभाजन होते हैं जायगोट में, ठीक है। देखो जायगोट में विभाजन होते हैं, तो विभाजन होने के बाद में ये जो क्लीवेज की क्रिया होती है, विदलन की, विभाजन होते हैं ऐसे, देखो जायगोट ऐसे युग्मज बोलते हैं, युग्मज में फिर क्या होते हैं, विभाजन होते हैं, या विभाजन की जो प्रक्रिया होती है उसे बोलते हैं क्लीवेज या विदलन। आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो, जायगोट में होने वाले बार बार विभाजन क्या कहलाते हैं, विदलन कहलाते हैं। उसके बाद देखो एक अवस्था आती है उसको बोलते हैं मोरूला, मोरूला अवस्था, ठीक है। विदलन के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, मोरूला, और मोरूला से क्या बनता है, ब्लास्टुला,
ब्लास्ट वाला अवस्था बनती है, ठीक है। ये सोलह कोशिकीय अवस्था होती है, सोलह कोशिकीय अवस्था कोशिकीय, ये भी पूछ लिया जाता है मोरला, और इसको तुतुक के नाम से भी जानते हैं, इसको मोरला अवस्था को। उसके बाद ब्लास्टुला बनती है, ब्लास्टुला में फिर विभाजन होते हैं तो ग्रेस्टुला बनती है, ग्रेस्टुला, ग्रेस्टुला अवस्था बनती है। और ग्रेस्टुला अवस्था के बाद में किसका निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है, ठीक है ना, भ्रूण या एम्ब्रियो का निर्माण होता है, एम्ब्रियो का निर्माण होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। तो मैं दोबारा बता रहा हूँ, शुक्राणु अंडाणु बनते हैं, उसके बाद में जैगोट, जैगोट से मोरला, ब्लास्टुला, ग्रेस्टुला, उसके बाद भ्रूण का निर्माण होता है। किसकी वजह से, विद्रलन की वजह से, क्योंकि बार बार में सेल डिवीजन होते हैं या कोशिकीय विभाजन की जो प्रक्रियाएं पाई जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं कि जायगोट है उन्हें प्रकार की प्रक्रियाओं के द्वारा किसका निर्माण कर लेता है, भ्रूण का निर्माण कर लेता है। तो ये लाइन लिखा है, अन्य जीवों में युग्मनज ट्यूबर कोशिका विभाजन से ही एम्ब्रियो का निर्माण कर लेता है, ठीक है ना। इसके बाद देखो आपको आगे लिखना है, आगे देखो लिखना आपको, भ्रूण का निर्माण कर लेता है, इस प्रक्रिया को भ्रूणोद्भव या एम्ब्रियोड्स, ठीक है ना, भ्रूणोद्भव या एम्ब्रियोड्स कहते हैं। तो फर्स्ट बात हमारी कंप्लीट हो गई कि युग्मनज का निर्माण किस प्रकार से होता है, ये बात आपको बता दी। दूसरी बात आप ये लिख सकते हो, युग्मनज का निर्माण भी हो गया, उसके बाद में जो दो प्रक्रिया बताई थी, एक भ्रूणोद्भव या एम्ब्रियोड्स, तो अन्य जो जीव होंगे उनमें सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन की प्रक्रिया होगी, उसके बाद में जो एम्ब्रियो का निर्माण होगा, और जो पूरी प्रोसेस आपको बताई थी यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी नर और मादा युग्मकों से लेकर जायगोट बना, जायगोट के बाद में और जो लास्ट में जो भ्रूण संरचनाएं बनी है, भ्रूण, ठीक है ना, इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, भ्रूणोद्भव या एम्ब्रियोड्स के नाम से जाना जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, यदि हम बात करें, इसी के अंदर आपको एक बात और लिखनी है, लैंगिक जनन करने वाले जीवों में लैंगिक जनन करने वाले जीवों की शुरुआत एक कोशिकीय युग्मनज से होती है, एक कोशिकीय युग्मनज यानी ट्वन से होती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। इसके बाद में आपको नेक्स्ट एडेंडम डालनी है, भ्रूणोद्भव। उसके बाद नेक्स्ट एडेंडम हमारी भ्रूणोद्भव, भ्रूणोद्भव या हम बोल सकते इसको एम्ब्रियोड्स। एडिंग डालो आप, लिखो, मैं बोल के लिखा रहा हूं आपको, भ्रूणोद्भव। लिखो जीवों में युग्मनज तुरंत प्रभाव से, वही बात लिखनी है आपको, जीवों में युग्मक तुरंत प्रभाव से कोशिका विभाजन, युग्मनज लिखना है, सॉरी युग्मनज, क्यों हम जायगोट की बात कर रहे हैं, युग्मनज, ठीक है ना। जीवों में युग्मनज तुरंत प्रभाव से कोशिका विभाजन के द्वारा जीवों में युग्मनज तुरंत कोशिका विभाजन के द्वारा किसका निर्माण कर लेता है, भ्रूण, या कोशिका लिख सकते हो आप एम्ब्रियो का निर्माण कर लेता है, कर लेता है, इसे भ्रूणोद्भव कहते हैं। वो बात लिखनी है आपको, भ्रूणोद्भव कहते हैं। लिख सकते हो आप कि जीवों में युग्मनज तुरंत प्रभाव से कोशिका विभाजन के द्वारा किसका निर्माण करता है, भ्रूण का निर्माण करता है।
ठीक है, ये बात आपको लिखनी है। इसे कहते हैं भ्रूणोद्भव। इसके नीचे लिखना है कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन समसूत्रण, या हम कह सकते हैं समसूत्री, ठीक है ना, समसूत्रण, या बोल सकते हो समसूत्री प्रकार का होता है, प्रकार का होता है जिसके द्वारा कोशिका से, जिसके द्वारा कोशिका से देखो किन किन चीजों का निर्माण होता है, उसमें कोशिकाओं का एक पिंड बन जाता है और कोशिका से उत्तक बनते हैं, ठीक है ना, कोशिका से उत्तक तथा उत्तक से अंग, वह अंग से अंग तंत्र का निर्माण होता है। अंग से अंग तंत्र का निर्माण होता है, यह प्रक्रिया आपको बतानी है, तथा पूर्ण विकसित भ्रूण बनते हैं। अब जो अंग तंत्र बनेगा, अंग तंत्र के बाद में पूर्ण विकसित भ्रूण का निर्माण होता है, तो यह बात भी आप लिख सकते हो, अंग तंत्र से, नीचे लिखना आपको, अंग तंत्र से पूर्ण विकसित भ्रूण, या हम बोलते हैं एम्ब्रियो का निर्माण होता है, एम्ब्रियो का निर्माण होता है। ये पूरी पूरी जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं एम्ब्रियोइड्स या भ्रूणोद्भव, ठीक है। सबसे पहले देखो, याद रखना है, जीव में जो जायगोट होता है वो पूरी प्रक्रिया आपको बता दी है। युग्मनस तुरंत प्रभाव से कोशिका विभाजन के द्वारा किसका निर्माण कर रहा है, भ्रूण का निर्माण कर रहा है, जो इसे क्या कहते हैं, निर्माण कर लेता है, इसे भ्रूणोद्भव कहते हैं। उसके बाद देखो, जो भ्रूण बनता है, भ्रूण में भी आगे अनेक प्रकार की प्रक्रियाएं होती है, क्योंकि शरीर में जो सेल्स होती हैं, सेल से क्या बनेंगे, देखो पूरी प्रक्रिया के द्वारा सेल से उत्तक बनेंगे, यानी टिश्यू बनेंगे, टिश्यू से उत्तक से अंग बनेंगे, ऑर्गन बनेंगे, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम का निर्माण होगा, और ऑर्गन सिस्टम आगे चल के किसका निर्माण करता है, एम्ब्रियो का निर्माण करता है। तो ये पूरी जो प्रक्रिया है वो आपको इसी के अंदर बतानी है, ठीक है, तो आप नोट कर सकते हो। उसके बाद देखो, आपको यहाँ एक चीज़ और देखनी है, ये मैं बता रहा हूँ, देखो ये प्रक्रिया इस प्रकार से होती है, जिससे सेल होती है कोशिका या सेल, ठीक है ना, इसके बाद में किसका निर्माण होगा, सेल से उत्तक बनेंगे, उत्तक या बोलते हैं टिश्यू, उत्तक से अंग का निर्माण होगा, ऑर्गन, और अंग से अंग तंत्र बनेगा, अंग तंत्र, ऑर्गन सिस्टम बनेगा, और अंग तंत्र से किसका निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है, जो पूर्ण विकसित भ्रूण होता है, या आप लिख सकते हो पूर्ण विकसित भ्रूण यानी वेल डेवलप्ड एम्ब्रियो का निर्माण होता है। ये पूरी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, क्योंकि जो सेल होते हैं, सेल टिश्यू में चेंज हो जाते हैं, और टिश्यू किसमें, अंग बनाता है, यानी ऑर्गन का निर्माण करता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, और ऑर्गन सिस्टम के बाद में और हमारे पास एक पूर्ण विकसित या वेल डेवलप एम्ब्रियो का निर्माण होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना, ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, भ्रूणोद्भव या एम्ब्रियोइड्स कहलाती है। अब नीचे देखो, आपको दो प्रक्रियाओं के द्वारा अब देखो कुछ एक पॉइंट है, ठीक है ना, बाकी देखो इसमें अंतर है वो आपको इतने ज़्यादा हार्ड नहीं है, क्योंकि इसके बाद में हम सेकंड पार्ट, जो सेकंड चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, जो मतलब पूरा जो चैप्टर है वो प्लांट से के ऊपर है। इसमें देखो कुछ महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं, यानी जो डिप्लॉयड हैप्लॉयड जो संरचनाएँ हैं वो किस प्रकार, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप एक क्वेश्चन लिखो, इसमें प्रत्येक पुष्पी पादपों के भाग को पहचाने तथा लिखे कि वह अगुणित है या फिर द्विगुणित है। एक क्वेश्चन लिखना आपको नीचे, प्रत्येक
पुष्पीय पादप के भाग को पहचानने पहचानने तथा लिखे तथा बताएं कि वह द्विगुणित है या अगुणित अगुणित। ये बात पूछ ली जाती है कई बार, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया युग्मक, तो युग्मक क्या होते हैं, हैप्लोइड होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद जो युग्मन है जायगोट वो क्या होते हैं, डिप्लोइड होते हैं। तो आपको देखो यहाँ पर कुछ मैं नाम लिखा रहा हूँ वो लिखने आपको, जैसे अंडाशय की मैं बात करूँ, अंडाशय ठीक है, तो ये क्या होता है, डिप्लोइड होते हैं, ये बात आपको लिखनी है। अंडाशय के बाद प्राकोष, जो सेकेंड चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे प्राकोष क्या होता है, वो होता है डिप्लोइड। उसके बाद में अंडा, ओव्यूम, अंडा बोल सकते हो या डिंब बोल सकते हो, डिंब ठीक है ना, ये भी क्या होता है, अंडा एन होता है, ठीक है ना, हैप्लोइड होता है। प्राग यानी पोलन, ये क्या होते हैं, ट्वाइन होते हैं। इसके बाद देखो नर युग्मक, नर युग्मक क्या होगा, एन होगा, और युग्मनस मादा युग्मक भी एन होगा, ये बात भी आपको लिखनी है, युग्मक ये भी एन होगा। और यदि मैं युग्मनज की बात करूं, युग्मनज वो आपको बता दिया था, या जायगोट ये क्या होता है, टू एन होता है। ये परीक्षा में पूछ लिया जाता है कई बार, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि कौन कौन सी चीज हैप्लोइड होती है या डिप्लोइड होती है। टू एन का मतलब होता है यहाँ द्विगुणित, द्विगुणित ये बात ध्यान में रखनी है। और एन का मतलब होता है अगुणित, यानी गुणसूत्रों की संख्या इसमें क्या है, आधी, इससे आधी है, ये रखना है। एन और टू एन का मतलब यही है, यानी गुणसूत्र इसमें क्या है, आधे है, ठीक है। तो देखो ये आपको पहचानना है, अंडाशय क्या होता है, टू एन होता है, प्राकोष भी टू एन होता है, अंडा या इसको ओयम या डिम बोलते हैं, ये हैप्लोइड होता है। यानी एन का मतलब यहाँ हैप्लोइड या अगुणित, और टू एन का मतलब यहाँ द्विगुणित है। उसके बाद में प्राग टू एन होता है, और नर नर युग्मक ठीक है ना, एन होता है, ये भी है, तो मैंने पहले बता दिया था आपको, एन होता है, मादा युग्मक भी एन होता है। और यदि युग्मनज की जायगोट की बात करूँ तो ये टू एन होता है, टू एन का मतलब डिप्लोइड संरचना है, द्विगुणित, ठीक है। तो इसी के बाद में इसमें कुछ अंतर हैं वो आप पढ़ लेना, कोई हार्ड नहीं है इसमें। उसके बाद में हम सेकेंड चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। सेकेंड चैप्टर के बाद देखो जो मतलब कुछ जो चीज़ें हैं मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन सी चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर हमारा फर्स्ट चैप्टर वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। अब देखो मैं बात करूँ सेकेंड चैप्टर की, सेकेंड चैप्टर है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन ये पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। आज तो इसके बारे में देखो डिस्कस ही करेंगे, बाकी कल से हमें जो पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें देखो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि फ्लोर की जो संरचना है, फ्लोर में कौन कौन से पार्ट होते हैं उनके बारे में आपको देखना है। तो देखो ये डायग्राम आपको बनाना है, ये बातों को रफली समझाऊंगा, कल बनाएंगे डायग्राम, ठीक है ना, कल सही तरीके से डायग्राम बनाएंगे। ये पुष्प की जो संरचना है उसके बारे में हम देख रहे हैं।
ये एक पुष्प का डायग्राम है, ठीक है। अब इसमें देखो कौन कौन से भाग कहाँ कहाँ होते हैं। सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि जो नीचे का भाग होता है उसको बोलते हैं पुष्पासन, पुष्पासन या थैलेमस, थैलेमस। यह आपको ध्यान रखना है, जो अंडाशय है नीचे जो फुला हुआ भाग है ना उसको, नीचे का जो भाग है उसको पुष्पासन बोलते हैं। अब ये देखो जस्ट फुला हुआ भाग है, यानी इस प्रकार के संरचना बीच में आप देख रहे हैं, ये संरचना आप जो देख रहे हैं बीच के अंदर, ठीक है ना। इस जो आधारी जो भाग बीच का फुला हुआ भाग इसको बोलते हैं अंडाशय। ये भाग कौन सा आ जाएगा? अंडाशय, जो आपको बताया था कौन सी संरचना है, टूएन, ठीक है। अंडाशय से जस्ट ऊपर वाला भाग देखो, एक पतली नलिकाकार संरचना होती है, ठीक है ना, और इसको बोलते हैं अंडाशय के जो ऊपर का जो पतला भाग है उसको बोलते हैं वर्तिका, वर्तिका। और ये होती है स्टाइल, इंग्लिश में बोलते हैं स्टाइल, ठीक है ना। ये ओरी हो जाएगा अंडाशय, ठीक है ना। इसके ऊपर का भाग यानी ये ऊपर वाला भाग इसको बोलते हैं स्टिग्मा, या हम बोल सकते हैं वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र या बोल सकते हैं स्टिग्मा, ठीक है। नाम दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है ना, अगर नाम दिखाई दे रहा है आपको। उसके बाद में देखो ये तीनों भाग हो गए, यहां बता देता हूं मैं, ये अंडाशय, अंडाशय, ये वर्तिका है, और ये क्या है, वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र, ठीक है। और ये ऊपर इसके बोलते हैं प्राग कोष, ये ऊपर प्राग कोष होते हैं ये ध्यान। लेकिन प्राग कोष आपको सिर्फ वैसे बताया, प्राग कोष आप नाम ध्यान में रखना कि यहां पर प्राग कोष यानी वर्तिकाग्र के जस्ट ऊपर की ओर प्राग कोष पाए जाते हैं। अब देखो इन तीनों भागों को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, ये भी आपको मतलब मालूम होना चाहिए। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, इन तीनों भागों को संयुक्त रूप से यानी ये तीनों भाग क्या होते हैं, मादा, या हम कह सकते हैं तीनों भागों को बोलते हैं स्त्री केसर। क्योंकि इस चैप्टर में ये तीनों ही काम आएंगे, आपको ये ध्यान रखना है, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, तीनों को क्या बोलते हैं, स्त्री केसर, बात ठीक है। उसके बाद देखो ये इस प्रकार की एक संरचना दिखाई दे रही है आपको, इस प्रकार से ये इस प्रकार से संरचना है। ये नीचे वाला भाग उसको बोलते हैं तंतु, या पू तंतु भी बोलते हैं इसको, बात है कि कोई दिक्कत नहीं, फिलामेंट, ठीक है ना। इसके अलावा ये जो पार्ट है ऊपर वाला इसको बोलते हैं प्राग कोष, और ये है योजी, इसको बोलते हैं कनेक्टिव, ये अंतर है योजी, ये एंथर, इसको एंथर बोलते हैं, ठीक है ना, एंथर, ये कनेक्टिव, कनेक्टिव, और ये फिलामेंट, फिलामेंट, बात समझ रहे हो। और इन तीनों को कौन कौन से, प्राकोष, योजी और तंतु, इन तीनों को सूत्र रूप से बोलते हैं पुंकेसर। और पुंकेसर कौन सा होता है, नर भाग होता है, यानी किसी भी जो पुष्प के अंदर जो नर भाग है वो पुंकेसर होता है, और जो कि मादा भाग है वो कौन सा होता है, स्त्री केसर होता है, या हम कह सकते हैं नरयुग्मक और मादायुग्मक, बात एक ही है, ये मादायुग्मक होता है और ये कौन सा होता है, नरयुग्मक। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ये कौन सा होता है भाग, ये अंतर है प्राकोष, ये प्राकोष आपको ध्यान रखना है, पराग कोष, ठीक है। उसके बाद में बीच वाला पार्ट क्या कहलाता है, योजी, और ये नीचे वाला पार्ट क्या कहलाता है, तंतु, ये आप इसे फिलामेंट भी बोल सकते हो। और इन तीनों को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, पुंकेसर, पुंकेसर बोलते हैं। और ये क्या होता है, नर युग्मक होता है, यानी किसी भी जो फ्लोर होता है उसका नर युग्मक भाग होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद में देखो, इसके बाद में यदि मैं बात करूं तो पुष्प का जो ऊपरी भाग है, ऊपरी भाग उसको बोलते हैं दलपुंज, दलपुंज। पुष्प के ऊपर का आपने देखी होगी जो दल पाए जाते हैं उनको बोलते हैं पेटल्स, ठीक है ना, वो दलपुंज होते हैं। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोरोला, इंग्लिश में बोलते हैं कोरोला, कोरोला,
ठीक है ना, ये ध्यान में रखना आपको। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोरोला। इसके बाद देखो नीचे आपको एक संरचना दिखाई दे रही है और ये होते हैं बाह्य दलपुंज। नीचे देखो छोटी संरचना दिखाई दे रही है, ये बाह्य दलपुंज और इसको बोलते हैं कैलिक्स। ये कैलिक्स होता है, ठीक है ना। इसको देखो मैं, ये कैलिक्स होता है, ये बाह्य दलपुंज होता है और इनमें से बोलते हैं कैलिक्स। ये कैलिक्स होता है। अब देखो जो अंडाशय है इसके बीच में ये जो संरचना दिखाई दे रही है बीच में, इनको बोलते हैं बीजांड, बीजांड या ओव्यूल, ठीक है ना। अब देखो जो अंडाशय है, अंडाशय से किसका निर्माण होता है, फ्रूट या फल का निर्माण होता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अंडाशय यानी जो ओवरी होती है, ओवरी आगे चलकर किस में बदल जाती है, फल में बदल जाती है। और जो बीजांड होते हैं वो किस में चेंज हो जाते हैं, सीड यानी किस में चेंज हो जाते हैं, बीज के अंदर चेंज हो जाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये एक पूरी जो फ्लोर की संरचना है इसके बारे में हमको ध्यान से देखना है। कल हम क्या करेंगे कि जो सेकंड चैप्टर है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, इसके बारे में देखेंगे। आज हमारा जो फर्स्ट चैप्टर वो कंप्लीट हो चुका है। आप इस पूरे डायग्राम को ध्यान से देखना, बनाना। कल हम सुंदर सा डायग्राम बनाएंगे, इसके नाम लिखेंगे, किसका क्या काम होता है ये भी आपको हम देखेंगे, क्योंकि किन्नरी युग्म कौन सा था, मादा युग्म के कौन से होते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।